आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए है और खुशी का विषय इसलिए है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश जो भारतवर्ष का हृदय है, उत्तर प्रदेश जो भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, आज उस प्रदेश का 73rd फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है। तो स्वाभाविक है 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासी और 135 करोड़ हिंदुस्तान के निवासियों के लिए ये गर्व का विषय है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। याद करिए 73 साल पहले किस प्रकार से एक बहुत ही आकांक्षा के साथ एक एस्पिरेशन के साथ इस प्रदेश की स्थापना की गई। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है अनेकों वर्षों तक जिस प्रकार की राजनीति ने उत्तर प्रदेश को घेर कर रखा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि भारतवर्ष में एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। और खुशी के साथ कहना चाहूंगा 2017 के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नव निर्वाचित मुख्यमंत्री योगी जी 2017 के पश्चात जिस प्रकार की राजनीति और विकास युक्त राजनीति उत्तर प्रदेश में रही, उत्तर प्रदेश आज गौरव का आभास करता है। आज उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को मैं बधाई देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन के सरकार के अंतर्गत एक सुरक्षित और समृद्ध प्रदेश है, एक सिक्योर प्रदेश है और एक एस्पिरेशनल स्टेट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी जिस प्रकार से 12वें स्थान से आज हम दूसरे स्थान पर आए हैं और आर्थिक परिस्थिति उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार से बदली है और 6ठे स्थान से आज दूसरे स्थान पर आए हैं, ये भी अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए एक बधाई का विषय है। 50 से अधिक ऐसे केंद्र योजनाएं हैं जिनमें आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य के रूप में काम करती है। ये दिखाता है कि 73वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का इट्स अ माइलस्टोन एज फार एज डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज कंसर्न। विकास का एक महत्वपूर्ण पायदान वो छू चुका। जैसे मैंने आपको कहा आज कुछ खुशी की बातें भी हैं तो कुछ दुख के विषय भी। जहां पूरा उत्तर प्रदेश, जहां आदरणीय मोदी जी, जहां योगी जी आज समस्त उत्तर प्रदेश के निवासियों को, समस्त भारतवर्ष को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की बधाई दे रहे हैं, वहीं मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने एक महत्वपूर्ण अखबार में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू पढ़ा और मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस
चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। मीडिया के बंधु, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं, क्योंकि आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं और पूछना भी चाहिए, आप चतुर्थ स्तंभ हैं। आप कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को खींच कर लाती है। हम नहीं लाते हैं। आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश, योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है। स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास का। किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है। और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है जो अखबार की सुर्खियां बनके छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है। पाकिस्तान को लेकर कौन आया? पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया। जिन्ना को लेकर कौन आया? जिन्ना को लेकर अखिलेश आया।